नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस एजुकेटिव प्लेटफॉर्म। दिस इज योर फ्रेंड एंड मेंटर अंशुल गर्ग। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम शुरू करेंगे काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था और जिसका नाम है वॉइस। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे वॉइस। इंग्लिश में दो ऐसे चैप्टर हैं, एक वॉइस और एक नरेशन, जो हर एग्जाम में जिसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इन दोनों चैप्टर से बच्चे डरते हैं। पता नहीं क्यों डरते हैं, वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन आज के बाद आपका जितना भी डर है वॉइस और नरेशन को लेके, वो सब दूर हो जाएगा। इस चैप्टर में मैं इतनी शानदार ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि सिर्फ एक वर्ड देखते ही आप ये बता दोगे कि चार ऑप्शन में से ये हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन उन ट्रिक्स को जानने के लिए आपको कंसेप्ट को बहुत बेहतरीन रूप से जानना पड़ेगा। और जितने प्रकार के क्वेश्चन वॉइस के हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वॉइस। ठीक है, तो सबसे पहले ये वॉइस होता क्या है। आपने ना हिंदी में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था वाच्य। क्या था? वाच्य। तो जो वाच्य था वही हमारा क्या है, यहां पे वॉइस है। वही क्या है हमारा दोस्तों? वॉइस है। ठीक है, तो इसलिए वॉइस होता क्या है देखते हैं। वॉइस का मतलब क्या है, क्या चीज है वॉइस? वॉइस क्या है? इट इज अ टूल, इट इज अ टूल टू एक्सप्रेस अ वर्ब। इट इज अ टूल टू एक्सप्रेस अ वर्ब। इट इज अ टूल टू एक्सप्रेस अ वर्ब। एंड वी कैन एक्सप्रेस, एंड वी कैन एक्सप्रेस अ वर्ब, एंड वी कैन एक्सप्रेस अ वर्ब इन टू वेज, इन टू वेज। फर्स्ट वन इज एक्टिव एंड सेकेंड वन इज पैसिव। सेकेंड वन इज पैसिव। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों हमारा वॉइस की डेफिनेशन। तो दोस्तों वॉइस क्या है? वॉइस एक टूल है, एक माध्यम है। यह एक टूल है किसी भी वर्ब यानी क्रिया को एक्सप्रेस करने के लिए। जो हमारा वॉइस है वो एक टूल है, एक माध्यम है किसी भी क्रिया को एक्सप्रेस करने के लिए। और हम किसी भी क्रिया को, किसी भी वर्ब को दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक होता है एक्टिव और दूसरा क्या होता है दोस्तों? पैसिव होता है। देखिए जी, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, ध्यान से समझिएगा। जब तक सारी बातें डिटेल में समझ में नहीं आएंगी, देखिए, एक होता है एक्टिव, एक्टिव वॉइस, और दूसरा होता है पैसिव, पैसिव वॉइस। आप सर सुनते चलिए, इतनी डिटेल में करवा दूंगा, आपने कभी नहीं किया होगा, और बहुत सारी शानदार ट्रिक्स के साथ। देखिए, एक्टिव का मतलब होता है दोस्तों कृतवाच्य। क्या होता है? कृतवाच्य, जो आपने हिंदी में पढ़ रखा है कृतवाच्य। और पैसिव का मतलब होता है दोस्तों कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। ठीक है, यहां से एक चीज समझ में आई मेरे को। यहां से क्या चीज समझ में आई? कृत का मतलब है कर्ता, कर्ता यानी काम को करने वाला। तो जो एक्टिव वॉइस होता है दोस्तों, इसमें प्रधानता किसकी होती है? कर्ता की होती है। कर्ता यानी काम को करने वाला। इस वाक्य में जो प्रधानता होगी, जो इंपोर्टेंस होगी, वो किसकी होगी? कर्ता की। कर्ता यानी काम को करने वाला। और पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य, तो इसमें प्रधान कौन होगा? इसमें प्रधान कौन होगा? इसमें हमारा प्रधान होगा कर्म। इसमें प्रधान कौन होगा? कर्म। समझाई बात? कर्ता यानी जो काम को कर रहा है उसकी प्रधानता होगी, और कर्म यानी जिसपे काम का प्रभाव पड़ रहा है उसकी प्रधानता होगी। और डिटेल में जाते हैं, चलो और देखो। जो काम की बात है वो ये है कि एक्टिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है।
एक्टिव वॉइस में जो हमारा बच्चे सब्जेक्ट होता है वह डूअर होता है। डूअर वो होता है जो काम को करता है, यानी इसको बोलते हैं कर्ता, काम को करने वाला। समझाई बात? एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वह डूअर होता है। ये डूअर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब डिटेल में करवा चुका हूं मैं। जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, डूअर यानी काम को करने वाला, कर्ता। लेकिन पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में दोस्तों जो सब्जेक्ट होता है वह ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, यानी सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जिस पे काम का प्रभाव पड़ता है, जिस पे काम का प्रभाव पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है दोस्तों, जो हमें वर्ब दी गई है एक्टिव वॉइस में, जो हमें वर्ब दी गई है पैसिव वॉइस में, उस वर्ब को बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना। ये आपको बात याद रखनी है। समझ आई बात? ये बात आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि जो एक्टिव वॉइस में वर्ब दे रखी थी उस वर्ब को बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। यहां तक आप नोट करो, ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको मैंने समझाई। अब हम और डिटेल में बढ़ेंगे आगे। करिए जी आप लोग नोट यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है, बेसिक स्ट्रक्चर देखना है आपको। क्या देखना है दोस्तों? बेसिक स्ट्रक्चर। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आपको सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपको क्या देखना है? बेसिक स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, आपको क्या समझना है दोस्तों? बेसिक स्ट्रक्चर समझना है। बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होगा। अरे भाई ऐसे कैसे? चलिए देखिए जी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लेना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस स्ट्रक्चर को हमें ध्यान से समझना है। चलिए देखो, जब आपको एक्टिव सेंटेंस दिया मिलेगा, जब आपको एक्टिव सेंटेंस दिया मिलेगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले आपको मिलेगा डूअर। आपको क्या मिलेगा? डूअर मिलेगा। एक्टिव में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? डूअर। डूअर यानी काम को करने वाला। ठीक है, फिर आपको ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। उसके बाद में आपको मेन वर्ब मिलेगी। उसके बाद में आपको मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया मिलेगी। और उसके बाद में आपको कोई नाउन या प्रोनाउन मिलेगा ऑब्जेक्ट के रूप में। ये होता है दोस्तों हमारा इसका स्ट्रक्चर, कि एक डूअर मिलेगा जो काम को करेगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, फिर आपको मेन वर्ब मिलेगी कि काम हो क्या रहा है, और आखिर में आपको नाउन या प्रोनाउन कुछ मिल जाएगा। एक्टिव वॉइस में हमने पढ़ा था कि जो डूअर होता है वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट।
और ये जो नाउन प्रोनाउन है ये हमारे क्या होंगे ऑब्जेक्ट, ये हमारे क्या होंगे ऑब्जेक्ट, ये अपने को दिया मिलेगा एग्जाम में। अब हमें क्या बनाना है दोस्तों, हमें बनाना है पैसिव, हमें क्या बनाना है पैसिव। इसका स्टेप समझिएगा, पहले मैं डिटेल में करवा रहा हूं, जो ट्रिक्स होंगी वो साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा। देखिए एक एक वर्ड को उठाओ और सोल्व कर दो। कैसे? जो डूअर है ना, डूअर क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह ले आओ ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट की जगह ले आओ ऑब्जेक्ट को, तो डूअर की जगह क्या आ गया नाउन प्रोनाउन। अगर डूअर की जगह नाउन प्रोनाउन आया है ना, तो नाउन प्रोनाउन की जगह क्या जाएगा दोस्तों, नाउन प्रोनाउन की जगह क्या जाएगा डूअर आ जाएगा। नाउन प्रोनाउन की जगह क्या आ गया डूअर आ गया। ये बात समझ आई? यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, है ना। मैं साइड में लिख देता हूं ये स्टोरी। मैंने क्या बोला, एक सब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, ये स्टोरी छोटी सी सिंपल सी बचपन से पढ़ते आए हैं। आगे देखो, प्लस नेक्स्ट वर्ड क्या आया ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को कभी चेंज नहीं करते, ऑक्सिलरी वर्ब को कभी चेंज नहीं करते, बस उसका रूप पलट सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल हम चेंज कर सकते हैं पर वर्ब कभी चेंज नहीं होगी। क्लियर है बात? फिर है मेन वर्ब, और मैंने आपको क्या बोला था वर्ब को किसमें चेंज कर देना, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना। किसमें चेंज कर देना? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना। अब आप कहोगे सर बी के तो बहुत सारे रूप होते हैं, इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, बीन है, तो कौन सा आएगा? तो सर ये ऑक्सिलरी वर्ब पे डिपेंड करेगा कि बी का कौन सा रूप आएगा, इज एम आर वाज वर बीन बींग, ऑक्सिलरी वर्ब पे डिपेंड करेगा कि बी का कौन सा रूप आएगा। ये बात समझ में आई? उसके बाद में क्या है नाउन प्रोनाउन, तो नाउन प्रोनाउन की जगह हमने क्या रख दिया डूअर, और बीच में हम क्या लगा देंगे दोस्तों एक प्रेपोजिशन। बस ये देख लीजिए, कुछ भी नहीं किया, एक एक वर्ड को बड़े आसानी से हमने समझ लिया कि कैसे सोल्व करना है। समझ में आई बात यहां तक? यहां तक बात समझ आई? तो एक बार फटाफट देखो इसको, फिर मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना आपको पता है समझ में नहीं आएगा। चलिए जी एग्जाम्पल समझते हैं इसका। एग्जाम्पल देखो दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए, आपको एक एक्टिव सेंटेंस दिया गया है। क्या? अतुल हैज cooked, Atul has cooked something, something spicy. Atul has cooked something spicy. ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है इसका पैसिव। हमें क्या बनाना है दोस्तों, हमें बनाना है इसका पैसिव, हमें क्या बनाना है इसका पैसिव। तो अतुल की जगह क्या आ जाएगा, ये रहा ऑब्जेक्ट समथिंग स्पाइसी, तो अतुल की जगह क्या आ गया, अतुल की जगह आ गया समथिंग स्पाइसी, अतुल की जगह क्या आ गया दोस्तों समथिंग स्पाइसी आ गया, समथिंग स्पाइसी। हैज ऑक्सिलरी वर्ब है, कभी चेंज नहीं करेंगे, हैज आ गया। कुक्ड है, तो इसको किसमें चेंज कर देंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बी प्लस वर्ब की
एक बार उसको इधर लिख देता हूं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और बी का कौन सा रूप आएगा डिपेंड करेगा हैज, हैज के हैज हैव के बाद में क्या आता है दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो बी की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। ये मैं करवाऊंगा आपको डिटेल में, अभी जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ये मैं सब करवाऊंगा आपको। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, बीन, क्या लिख दूंगा, बीन, हैज बीन कुक्ड। अब समथिंग स्पाइसी की जगह क्या आएगा, अतुल, लो जी अतुल लिख दिया, और इससे पहले क्या लगा देंगे, एक प्रेपोजिशन, लो जी प्रेपोजिशन लगा दिया। ये एग्जाम में ऐसे आपको सोल्व नहीं करना, एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव है, आपको ऑप्शंस दिए मिलेंगे वहां पे तो टिक मारने हैं, ये मैं आपको सब्जेक्टिव एक कंसेप्ट समझा रहा हूं कि क्यों हो रहा है ऐसा। धीरे धीरे जब अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया, देखो दोस्तों ट्रिक और कुछ भी नहीं होती, ट्रिक उसी को बोलते जब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि अच्छा अगर ऐसा होगा तो ऐसा तो पक्का होगा ही, और आप उन ऑप्शन को टिक कर देते हो, वो ट्रिक बन जाती है। तो ट्रिक तक पहुंचने के लिए आपको कंसेप्ट समझ में आने चाहिए, इसलिए मैं कंसेप्ट को बड़ी बारीकी से समझा रहा हूं। तभी मैंने बोला वॉइस और नरेशन, इंग्लिश का जो कोई भी टॉपिक हो मैं गारंटी लेता हूं कि तुम एग्जाम में बैठो और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो अपन इस बोर्ड पर डिस्कस ना किया हो। आप सिर्फ सुनते चलिए, अपने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नोट्स बनाते चलिए और उनको बार बार टाइम पे रिवाइज करते चलिए, सफलता आप तक पहुंच ही जाएगी। ठीक है, करिए जी नोट, आगे बढ़ते हैं। फिर वॉइस और नरेशन इंग्लिश के सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान, और एग्जाम में इंपॉर्टेंस आपको पता है ही इनकी। चलिए बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। चलो वॉइस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए दोस्तों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो हमारे पास वर्ब होती है, वर्ब का मतलब क्रिया, ये वॉइस के अंदर ही है। तुम सोचो सर ने वर्ब शुरू कर दिया, ये वॉइस के अंदर ही वर्ब का पार्ट है, वर्ब यानी क्रिया। ठीक है दोस्तों, जो क्रिया होती है वो हमें पता है कि सर दो प्रकार की होती है, हमने हिंदी में पढ़ी थी। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी कौन सी होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ये आपने पढ़ रखा होगा। ट्रांजिटिव वर्ब को बोलते हैं हिंदी में सकर्मक क्रिया, क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया, और इनट्रांजिटिव वर्ब को बोलते हैं हिंदी में अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक से का मतलब होता है साथ, जो कर्म यानी ऑब्जेक्ट को अपने साथ लेके चले, यानी जिस क्रिया में कर्म होता है, सह का मतलब साथ, कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी क्रिया जिसके अंदर कर्म होगा। अकर्मक मतलब कर्म के बिना, यानी ऑब्जेक्ट के बिना, यानी इस वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। समझ आई बात आपको? तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है दोस्तों, यहां से हमें क्या बात समझ में आई, यहां से हमें यह बात समझ में आई कि इट टेक्स ऑब्जेक्ट, इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है, इट टेक्स ऑब्जेक्ट, इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है, और यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, यहां कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। समझे बात? तो मुझे एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं कि यहां ऑब्जेक्ट होगा, मैं कह रहा हूं यहां ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो मैं इसका पैसिव बना पाऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को उठाऊंगा यहां से और यहां लेके इसका सब्जेक्ट बना दूंगा। पढ़ा था ना हमने कि ऑब्जेक्ट को उठाओ और सब्जेक्ट बना दो, इसका मतलब सर अगर यहां पे ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसिव बन सकता है, लेकिन सर अगर यहां पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो उठा के सब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा, इसका मतलब यहां पैसिव नहीं बनेगा, यहां पैसिव नहीं बनेगा।
ये बात समझ में आई आपको? अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट क्या चीज है, कौन सा ऑब्जेक्ट है? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो इसका देख लीजिए जी मेथड, एक मिनट में बता दोगे कि ये ऑब्जेक्ट है। अगर आपको किसी वाक्य में व्हाट या हुम का आंसर मिल जाए, अगर आपको किसी वाक्य में व्हाट या हुम का आंसर मिल जाए तो समझ जाना दोस्तों जो आंसर है वही आपका ऑब्जेक्ट है। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। व्हाट का मतलब क्या, और हुम का मतलब किसे या फिर किसको। हुम का मतलब किसे या फिर किसको, मैं भी समझाता हूं कैसे, किसे या फिर किसको। जैसे मैं कहता हूं कि राम ने सीता को रोज दिया, मैंने क्या बोला, राम ने सीता को रोज दिया, क्या दिया, रोज दिया, आंसर मिल रहा है ना रोज, तो रोज क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। किसे दिया, सीता को दिया, तो आंसर क्या मिल रहा है, सीता, तो सीता भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी यहां पे रोज भी ऑब्जेक्ट है, यहां पे सीता भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहचाना आ गया। जो व्हाट या हुम का आंसर दे दे वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और यहां पे दोस्तों अगर मैं यहां की बात करूं तो सर यहां पे अगर आप व्हाट या हुम का आंसर देखोगे तो आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, यहां पे आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, यहां पे आपको दोस्तों कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। समझाई बात, यहां पे आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। ये सब करवाऊंगा मैं आगे, एग्जांपल कराऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब सुनो कमाल की बात, ये सभी टीचर्स पढ़ाते हैं कि इनट्रांसिटिव वर्ब का कभी भी पैसिव नहीं बनेगा, मैंने भी बोला कि पैसिव नहीं बनेगा, लेकिन एक बात याद रखना, एक केस है दोस्तों, और वो केस है इंपेरिटिव सेंटेंस का, वो केस है इंपेरिटिव सेंटेंस का, इंपेरिटिव वाक्य का पैसिव बन सकता है, ये मैं आपको आगे करवाऊंगा। तो अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे क्या इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव बनेगा, आप उसको बोलना हाँ बन सकता है, लेकिन एक केस में इंपेरिटिव सेंटेंस, ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल में क्या होता है, अभी यहां तक नोट करें। आई बात समझ में? हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांजिटिव वर्ब, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो आओ इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में देखिए। बात करूं मैं ट्रांजिटिव वर्ब की, अगर मैं बात करूं दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब की, तो ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की है? ये दो प्रकार की होती है। एक होता है डाई ट्रांजिटिव, एक वर्ब का नाम क्या है, डाई ट्रांजिटिव, और जो दूसरी वर्ब है दोस्तों वो है आपकी मोनो ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव। अगर इसका मतलब देखो, डाई, डाई का मतलब होता है दो और मोनो का मतलब होता है एक, इसका मतलब क्या हुआ, डाई ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, और मोनो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसके अंदर दोस्तों एक ऑब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर एक कर्म होता है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट कौन से, अब आप कहोगे सर दो ऑब्जेक्ट ये तो समझ में आ गई बात, दो ऑब्जेक्ट होते, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट कौन से, अभी मैंने आपको दो मिनट पहले पढ़ाया, अभी बताया मैंने आपको दो मिनट पहले ही, मैं अभी वो लिखवा देता हूं, चलो ये ठीक है, इसके अंदर होगा दो ऑब्जेक्ट और उसके अंदर होगा एक ऑब्जेक्ट, यहां तक अपने को बात समझ में आ गई। अब आप कहोगे सर दो ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो दोस्तों
दो ऑब्जेक्ट अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले पढ़ाया था, एक वो होगा जो आपको वट का आंसर देगा, जो आपको वट का आंसर देगा, और दूसरा होगा जो आपको हुम का आंसर देगा, जो आपको हुम का आंसर देगा। दोस्तों जो वट का आंसर दे वो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? वह होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो हुम वाले का आंसर दे वह क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे मैं कहता हूं कि राम ने सीता को रोज दिया, राम ने सीता को रोज दिया, तो राम ने क्या दिया? रोज दिया। तो रोज क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे दिया? सीता को दिया, तो सीता क्या हो गई? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे सर अगर पेपर में ये वाक्य आ गया और आपने बोला था कि पैसिव बनाते टाइम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो हमारे पास तो यहां पे दो सब्जेक्ट है, हमारे पास तो यहां पे दो सब्जेक्ट है, रोज भी है, सॉरी दो ऑब्जेक्ट है, रोज भी है और सीता भी है। तो सर अगर दो ऑब्जेक्ट है रोज और सीता, तो मैं किसे सब्जेक्ट बनाऊं? तो मैं किसे सब्जेक्ट बनाऊं? एक मिनट दोस्तों, तो आपने क्या बोला सर अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट दो है, एक सीता भी है और एक रोज भी है, तो मैं सब्जेक्ट किसे बनाऊं? एक बात बताओ यार, राम ने सीता को रोज दिया, तो राम के लिए रोज इंपॉर्टेंट है या सीता इंपॉर्टेंट है? राम के लिए रोज इंपॉर्टेंट है या सीता इंपॉर्टेंट है? तो आप क्या बोलोगे? सर राम के लिए सीता इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब अगर दोनों ऑब्जेक्ट हो और अगर पेपर में आपको किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो, तो आप हमेशा इनडायरेक्ट वाले के साथ जाओगे, कभी भी डायरेक्ट वाले के साथ नहीं जाओगे। समझ आई बात आपको यहां तक? यहां तक समझ में आई? और जनरली दोस्तों जब ये आता है ना पेपर में, अगर ये हमारे पेपर में आता है, तो यहां पे बता वर्ब कौन सी मिलती है? यहां पे वर्ब कौन सी मिलेगी? किसी को कुछ दिया आपने, गिव, किसी को कुछ भेजा आपने, सेंड, बाय, गिफ्ट, ये वर्ब मिलती है जनरली जो पेपर में ये क्वेश्चन आता है, गिव, सेंड, बाय, गिफ्ट। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल करेंगे, आप नोट करो यहां तक। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, आ जाओ एग्जाम्पल देखते हैं, सोल्व करते हैं कैसे पेपर में कैसे आता है। देखो ये आपको एक्टिव वॉइस दे रखा है, क्या? आई विल बाय यू आ कार, मैं तुम्हारे लिए कार खरीदूंगा। ठीक है, आई विल बाय यू आ कार। तो यहां पे आपको दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, क्या खरीदोगे? कार खरीदोगे। तो ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसके लिए खरीदोगे? तुम्हारे लिए। यू, यू क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यू क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ गए है ना, तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, जब हम इसका
पैसिव बनाएंगे तो इसके हम दो पैसिव बना सकते हैं, पैसिव वन और पैसिव टू। दो ऑब्जेक्ट है ना, इसलिए दो पैसिव बनेंगे। तो पहले बताओ किसको बनाएं। चलो पहले यू के लिए बनाते हैं, ठीक है। पहले क्या बनाते हैं हम लोग, यू के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो आई की जगह क्या आ गया दोस्तों, यू। आई की जगह क्या आ गया, यू। विल एक ऑक्सिलरी वर्ब है, कभी भी चेंज नहीं करोगे। बाय की जगह क्या आ जाएगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बोट, बी बोट हो गया। अब क्या हो गया, यहां तक अपन ने सोल्व कर दिया, यू विल बी बोट। और अब बच क्या गया, टुकड़ा आकार बचा हुआ है, तो उसको एसटीज लिख दो, बाय। और यहां क्या आ जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, क्योंकि यहां पे जो सब्जेक्ट होता है उसी को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। इसका पैसिव नंबर टू बनाते हैं। आप पैसिव नंबर टू बनाएंगे, आकार को उठा लो जी दोस्तों। लो जी आई की जगह क्या आ गया, आकार। विल का विल, विल के बाद में बी बोट, फिर क्या बचा हुआ है, यू, तो लगा दो फोर यू। और आखिरी में क्या आ जाएगा, बाय मी। तो दो पैसिव बन सकते हैं, जब भी इस चीजों का ध्यान रखिएगा। और यहां पे कमाल की बात बताता हूं आपको मैं, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है ना, देखो वर्ब देख लो क्या हो, गिव सेंड बाय, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन आपको एक पक्का मिलेगा, बोथ ए एंड बी। तो अगर आपको ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है ना बोथ ए एंड बी, तो इसी को देख के आप माइंड में लगा लेना पता कि पक्का कोई ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसने दो ऑप्शन बनाए हैं। और दोनों ऑप्शन को चेक कर लो और 99% में वो दोनों आपके ठीक मिलेंगे। अगर ऐसा होता है कि बोथ ए एंड बी ना मिले, तब आप किसके साथ जाओगे, पैसिव वन के साथ, क्योंकि यहां पे हमारे लिए यू इंपॉर्टेंट है, कार इंपॉर्टेंट नहीं है। ये था दोस्तों आपका डाई ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल। समझाई बात आपको। अब मैं आपको मोनो ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल और करवा देता हूं। अब मैं आपको मोनो ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल और करवा देता हूं, आप समझ जाओगे। मोनो यानी जिसमें एक ऑब्जेक्ट होगा, मोनो यानी जिसमें एक ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहां पे आपको एक्टिव दिया मिलेगा, यहां पे एक्टिव क्या दिया मिलेगा आपको, ही हैज बिटन मी, ही हैज बिटन, ही हैज बिटन मी। क्या मारा, नहीं पता। किसे मारा, मुझे मारा पता है। तो यानी दो थे ना, व्हाट और हुम। तो यहां पे क्या मारा का आंसर नहीं मिल रहा, किसे मारा इसका आंसर मिल रहा है, यानी एक का आंसर मिल रहा है, इसलिए यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका वो पैसिव बनाते हैं। इसका पैसिव बनाते हैं हम लोग, क्या बनेगा, ही की जगह क्या आ जाएगा, मी। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। आई के बाद में कभी हैज नहीं आता, तो हमें हैज का प्लूरल फॉर्म हैव लिखना पड़ेगा। मैंने बोला था कि हमें वर्ब चेंज नहीं करनी होती, बट सिंगुलर प्लूरल चेंज कर सकते हैं। तो मैंने वर्ब चेंज नहीं करी, वर्ब तो वही है, बस मैंने उसका प्लूरल बना दिया, ठीक है। बिटन की जगह क्या आ जाएगा, बीन बिटन, बीन बिटन, ठीक है। और क्या हो जाएगा, बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। लो जी दोस्तों, आई हैव बीन बिटन बाय हिम, ये बन गया आपका मोनो ट्रांजिटिव के एग्जाम्पल। यहां तक नोट करो और अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई डाउट है पूछो, फिर मैं आपको बताता हूं कि वर्ब कैसे चेंज करते हैं। अभी तक तो एग्जाम्पल में मैं डेक्ट चेंज कर रहा हूं ना, बी लगा दिया, बीन लगा दिया। अब आपको पूरी लिस्ट लिखवा दूंगा मैं, दोस्तों यहां पे अब जो हम आगे पढ़ेंगे ना, मैं आपको ये बताऊंगा कि टेंस कैसे चेंज करते हैं वॉइस में। आप मार्केट में जाके कोई बुक उठा लो, कम से कम आपको 5 से 6 पेज मिलेंगे, कम से कम आपको 5 से 6 पेज मिलेंगे कि टेंस कैसे चेंज करते हैं। लेकिन मैं आपको मात्र 10 लाइन लिखवाऊंगा, दो दो वर्ड्स की। उन 10 लाइनों में से एक भी क्वेश्चन कभी बाहर से नहीं आता। आप एक काम कर लेना, मेरी ये 10 लाइन पढ़ लो, और बुक्स की जाके किसी भी टीचर ने नोट्स बनवा रखे हो 5-6 पेजेस के, वो पढ़ लो। एक भी क्वेश्चन ऐसा दिखा दो जो तुम्हें ना आता हो, समझ रहे हो। मैं वो इतना ट्रिक्स के साथ करनी अपने को चीजें, इन 10 लाइनों को पढ़ना है सिर्फ, कोई 5-6 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सारे कंसेप्ट ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएंगे। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे, आप ये यहां तक नोट करो। चीजों को आसान बनाना ही एक अध्यापक एक शिक्षक का काम है, और वो मैं आपके लिए कर रहा हूं।
चलिए जी आओ, अब मैं सिखाता हूं आपको टेंस चेंज कैसे करना है। ठीक है, सिर्फ 10 लाइनें अपने को समझनी है, 10 लाइनों से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्लियर है बात? तो अपने को क्या देखना है, हमें ये देखना है कि अपने को सर एक्टिव दिया मिलेगा, अपने को एक्टिव सेंटेंस दिया मिलेगा, और हमें हमें पैसिव में चेंज करना है, हमें पैसिव में चेंज करना है। ये बात समझ आई आपको टेंस चेंज कैसे करना है? और यहां पे मैंने आपको एक बात समझा रखी है। क्या समझा रखी है? कि जो भी आपको वर्ब मिले उस वर्ब को बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। ये बात आपको पता है ना कि जो भी वर्ब मिलेगी उस वर्ब को बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम चेंज कर देंगे। ठीक है, अब है ना, मैं वो पहले यहां पर कंसेप्ट लिख रहा हूं, आपको याद नहीं करनी है चीजें, मैं सारे वो क्वेश्चंस लिख रहा हूं, सारे स्ट्रक्चर्स लिख रहा हूं जो एग्जाम वाला पूछ सकता है। ठीक है, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। पैसिव कैसे बनाना है वो मैं ट्रिक आपको समझा दूंगा, या आप मेरे साथ साथ नोट कर लो। ये आपको याद नहीं करना, ये एग्जाम में मिलेगा, अपने को कुछ भी नहीं करना, ये अपना काम नहीं है याद करने का, वो एग्जाम वाला देगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इज, एम, आर, बीच में कुछ भी मिलेगा, और फिर मिलेगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल्स प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन सबको चेंज करना मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे चेंज करना है, इन सबको चेंज करना मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने को ये दिया मिलेगा और हमें ने चेंज कैसे करना है, ये हमें आना चाहिए। ठीक है, मैं भी सारी बातें लिख देता हूं, और बहुत आसान है ये, बहुत ही ज्यादा आसान। मैंने बोलता ना सिर्फ 10 लाइनें लिखवाऊंगा और सारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? मॉडल्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्या है? इज, एम, आर प्लस गोइंग टू, प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में देखिए, कोई भी मॉडल दिया मिलेगा आपको, मॉडल प्लस हैव, तुम्हें याद नहीं करना ये कुछ भी, आप लोगों को एक कोई भी स्ट्रक्चर याद नहीं करने, ये एग्जाम वाले का काम है। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, हैज हैव हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, इज, एम, आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। और मैं ये बोल रहा था आपको कि इन्हीं चीजों के बुक में 5 पेज दे रखे हैं भर भर के, पता नहीं वो इतना क्यों देते हैं, चीजें आसान क्यों नहीं बनाते। लो जी, ठीक है, करिए आप लोग नोट, फिर मैं आपको करवाता हूं इनको सोल्व। आप नोट करें फटाफट।
चलिए जी दोस्तों, अब मैं आपको इनको समझाता हूं कि कैसे इनको सोल्व करना है। उससे पहले आप एक चीज देखो, एक चीज देखो आप, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जो हमारे पास बी वर्ब होती है ना, जो हमारी बी वर्ब होती है, बी वर्ब होती है, नहीं यार ज्यादा बड़ा हो गया, जो हमारी बी वर्ब होती है, अगर आपसे ये पूछ ले कि बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, ये मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करवा रखा आपको, बी वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है और बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म कौन सी है, तो ये आपको पता होना चाहिए बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म कौन सी है। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। देखो पहले बात, बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है दोस्तों इज एम आर, क्या होती है इज एम आर। बी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वाज और वर। बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन, और बी की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो होती है बीइंग। ठीक है, ये इन चीजों का अब यूज करूंगा मैं, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं आपको कि बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इज एम आर, बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज वर, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन और बी की आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। बी की आईएनजी फॉर्म क्या होती है बीइंग होती है, बी की वर्ब की आईएनजी फॉर्म कौन सी है बीइंग है। और एक बात आपको याद रखनी है, एक बात और आपको क्या याद रखनी है, देखिएगा कि कोई भी मॉडल जब आ जाए, कोई भी मॉडल आ जाए, कैन कुड विल वुड शैल शुड मे माइट मस्ट नीड डेयर कुछ भी आ जाए, मॉडल के बाद में हमेशा बी आता है। मॉडल के बाद में इनमें से कोई भी रूप नहीं आएगा बी का, मॉडल के बाद में इनमें से बी का कोई रूप नहीं आएगा, सिर्फ बी ही आएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि ये मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बहुत बार बताई है बात कि मॉडल के बाद में हमेशा बी आता है। और सिमिलरली दोस्तों, सिमिलरली आपको एक बात और याद रखनी है, सिमिलरली आपको एक बात और याद रखनी है, क्या कि अगर कहीं टू आ जाए तो टू के बाद में भी आपको किसका इस्तेमाल करना है, बी का इस्तेमाल करना है। ये दो बातें आपको याद रखनी है कि अगर कोई मॉडल आ रहा है तो मॉडल के बाद में हम हमेशा बी का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कहीं टू आ रहा है तो टू के बाद में हम हमेशा बी का ही इस्तेमाल करेंगे और कोई बी का रूप हमें इस्तेमाल नहीं करना। अब आ जाओ उसके ऊपर, टेबल के ऊपर। अब मैं सोल्व करना सिखा देता हूं तुम्हें, ठीक है? अब आप लोग बिल्कुल रेडी हो इस टेबल को उड़ाने के लिए, सोल्व करने के लिए। बहुत आसान है, समझिए जी। देखो मैंने आपको यह बताया था कि वर्ब को बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, लेकिन बी का कौन सा रूप आएगा वो डिपेंड करता है ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर। बी का कौन सा रूप आएगा डिपेंड करता है ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर। आओ जी सोल्व करते हैं एक एक करके। तो यहां पे बी किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बी का लगा दो फर्स्ट फॉर्म। बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, इज एम आर, और प्लस में क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लो जी मैंने बोला ना बहुत आसान है। नेक्स्ट क्या है, यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज वर लगा दिया, और आखिरी में क्या लगानी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दी मिलेगी, जैसे आपने कुक का कुक्ड बना दिया अपने, है ना, बीट का बिटन बना दिया, तो हम थर्ड फॉर्म बना देंगे। अब यहां पे देखो क्या दिख रखा है दोस्तों, आखिरी वाला देखना आपको क्या है, इज एम आर सेम लिख लो, लिख लिया इज एम आर अपन लिख लिया सेम लिख लिया। अब यहां पे क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो बी की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, बीइंग बना दिया, और उसके बाद में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना आसान है, इतना आसान है। ठीक है, यहीं से मैं सारे ट्रिक्स समझाऊंगा आपको क्वेश्चंस में कि कैसे ट्रिक काम आ रही है। देखो अब हैज हैव लिख लो, लो सर हैज लिख लिया, हैव लिख लिया, फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है सर, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, इसीलिए मैं कह रहा था कि हैज हैव के बाद में बीन आता है, हैज हैव के बाद में बीन आता है, और बीन के बाद में क्या लगा दूंगा मैं, बीन के बाद में लगा दूंगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीन के बाद में क्या लगा दूंगा दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आओ आगे, फिर क्या है, मॉडल्स, फिर क्या है दोस्तों, मॉडल्स,
और मैंने क्या बताया था आपको कि अगर कहीं मॉडल आ जाए तो मॉडल के बाद में तो बी आएगा, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं आगे, मॉडल के जस्ट बाद में हमेशा बी ही आता है और बी के बाद में क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी के बाद में क्या आ जाएगी दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां तक आप नोट करो, उसके बाद में मैं आपको बचे हुए भी करवाता हूं, ठीक है? करो जी यहां तक नोट फटाफट। चलिए बचे हुए पार्ट स्कोर कर लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो मॉडल्स है तो हम क्या लिख देंगे, मॉडल्स लिख देंगे मॉडल, जो भी मॉडल दिया होगा। उसके बाद में हैव आ गया, उसके बाद में सर हैव आ गया, तो सर जब हैव आ जाता है ना तो मॉडल की इंपोर्टेंस नहीं रही, हैव आ गया, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मैं क्या लगा दूंगा, बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्या है, इज एम आर, तो लो जी सर पहले आपने क्या लगा दिया, इज एम आर, फिर क्या है, गोइंग टू, तो मैंने क्या लगा दिया, गोइंग और टू, लास्ट में क्या आ गया, टू आ गया, टू के बाद में क्या आता है सर, बी आता है और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट क्या है, मॉडल, तो आपने क्या लगा दिया, मॉडल लगा दिया, लो जी सर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्या है, हैव, तो मैंने हैव लगा दिया, फिर क्या है, टू, तो मैंने टू लगा दिया, और टू के बाद में क्या आता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो हमें पता ही है। नेक्स्ट क्या है, हैज हैव हैड, तो लो जी हमने हैज हैव हैड लगा दिया, हैज हैव हैड, फिर क्या है, टू, तो सर लो टू, और टू के बाद में हमें पता ही है सर, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लो जी। नेक्स्ट क्या है, इज एम आर, तो लो सर हमने इज एम आर लगा दिया, हमने इज एम आर लगा दिया, फिर क्या है सर, टू, तो सर हमने लो टू लगा दिया, टू के बाद में क्या आता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लो जी दोस्तों मैंने बोला था ना 5-6 पेजेस का काम मात्र 10 लाइन में करवा दूंगा, और ये था देख लो कितना आसान है दोस्तों। इंग्लिश बहुत ही आसान लैंग्वेज है, और मैं सच बता रहा हूं जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट करूंगा आप यूं कहोगे सर मजा ही आ गया लाजवाब, क्योंकि चीजें इतनी आसान है, इतनी ट्रिक्स के साथ, इतनी गहराई से आपको करवाई जा रही है कि आप उसको ग्रहण करें, उसको बार बार रिवाइज करें और एग्जाम में फोड़ा हो यार। क्वेश्चंस कोई भी बाहर से नहीं मिलेगा, जब मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं तो बाहर से कैसे आएगा यार। हम नहीं कहते कि पेपर बाहर से आ गया, बाहर से नहीं आता भाई, सिलेबस तुमने अधूरा पढ़ा होता है।
अगर आप सिलेबस कंप्लीट करके जाओगे तो कोई चीज बाहर से आएगी नहीं, और वैसे भी 15 से 20 क्वेश्चन का सवाल है यार, तो हमें इंपॉर्टेंस तो इसको देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ना ये पूरा सेशन जो आज का था वो समझ में आया होगा, मजा भी आया है कि चीजें हमारे लिए बहुत आसान बन रही है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बाय बाय, टेक केयर।